very good afternoon to all of you. Eczema, which is a recurring non-infectious condition of the skin, जिसमें skin inflammated हो जाती है, जिसके symptoms हैं कि redness आ जाती है skin में, skin dry हो जाती है, scaly हो जाती है, कई बार skin पर patches उभरने लगते हैं. हमें लगता है कि किसी allergy या मौसम के बदलने की वजह से ऐसा हो रहा है. ये तो है एक factor, लेकिन इसके लिए बहुत सारे internal और external factors responsible हो सकते हैं. और कैसे आपको अपने pressure points के जरिए, कौन से pressure points के जरिए इससे निजात मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे अपने acupressure expert डॉक्टर अजय मिश्रा इस वक्त मेरे साथ हैं. डॉक्टर अजय, वेलकम टू द शो. थैंक यू. नमस्कार दर्शकों. जैसे कि एक्जिमा होता है कि किसी तरह की एलर्जी जब हमारी स्किन पर हो जाती है और वो ज्यादा एग्जैगरेट हो जाती है तो एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो काफी सारे हैं. कई बार हमें घाव लगता है छोटा सा और वो भी बैक्टीरियाज और वायरसेस की वजह से इफेक्ट हो जाता है तो भी हमें एक्जिमा होने के चांसेस होते हैं. इसके अलावा और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डॉक्टर अजय? खास करके जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उनको एक्जिमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. और इसके साथ साथ पेट की भी गड़बड़ी बहुत मायने रखती है इसमें, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है. जी, ओके. पेट की भी गड़बड़ी, यानी कि कभी किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है या स्टमक उसका अपसेट है तो भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. अभी शिखा हमारे साथ हैं. जी शिखा, बताइए. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून शिखा, बताइए. मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है काफी, मैंने भी कल चेक कराया है. हाई बीपी रहता है, क्या कर सकती है? हाई बीपी के लिए एक तो नमक काफी कंट्रोल कर लेना चाहिए आपको, और उसके बाद आप ब्लू, डार्क ब्लू स्केचपेन ले लें और अपने थंब पर, लेफ्ट थंब पर, ये नाखून के पीछे और नीचे के हिस्से पे ये आप डार्क ब्लू कलर लगा करके रखें. तो जब भी आप ये लगा करके, दिन में लगा करके रखिए, 2-4 घंटे के लिए आप रेगुलर लगाइए. अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो धीरे धीरे आपके मेडिसिन के डोज कम होने लगेगी. इट विल टेक टाइम, 1-2 साल लगेगा और आप देखेंगे कि सिर्फ आपका इसी से काम चल जाएगा. मतलब बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि एक डार्क ब्लू कलर का पॉइंट लगाने से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. और साथ साथ नमक का इनटेक आपको कम करना होगा एज यू हैव हाई ब्लड प्रेशर. अभी बात करते हैं लीरा के साथ. जी लीरा, बताइए. नमस्कार, बताइए. जी डॉक्टर साहब, मुझे प्रॉब्लम है, इससे पहले भी आपसे बात की थी, काफी मुझे फर्क पड़ा था, लेकिन अभी अचानक 2-3 दिन से मेरे राइट साइड कंधे में काफी दर्द है, सोने में भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, और शरीर में कहीं कहीं, मतलब जैसा लग रहा है कि ब्लड कहीं जम गया है, उस तरह का मेरे शरीर में दर्द है. और दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि मेरे में, हेलो जी बताइए, हम आपको सुन पा रहे हैं. हाँ, दूसरा सवाल मेरा है, मुझे स्किन प्रॉब्लम काफी हद तक ज्यादा है. ओके, किस तरह की स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं आपको? जैसे कि स्किन प्रॉब्लम एक्जिमा जैसा हो करके काफी, उसको मतलब कि आयुर्वेदिक दवा लेने, कुछ भी लेने पर भी जी वो खुजली ज्यादा उसमें रहता है. ओके, दूसरे सवाल से इनके उठाते हैं कि इन्हें लगता है कि इन्हें एक्जिमा का प्रॉब्लम है, कुछ एक स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? देखिए, आज का टॉपिक भी जैसे एक्जिमा है, तो दर्शकों को मैं बता दें कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है एक्जिमा का. पहले आप ग्रीन कलर ले लें और राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे, बीच वाले जॉइंट पर, दोनों कॉर्नर्स पे ग्रीन कलर लगा दें. इसके बाद वॉयलेट कलर ले लें और वॉयलेट कलर से ये सेंटर से अंगूठे की तरफ इस जगह पर, यहाँ पर आप एक वॉयलेट कलर का डॉट लगा देंगे. फिर आप लाइट ब्लू ले लीजिए और लाइट ब्लू कलर से आप ये दूसरी तरफ ग्रीन के साथ लगा दीजिए. तो ये आपका हो गया वायलेट, लाइट ब्लू और दोनों कॉर्नर्स पे ग्रीन. सिर्फ अगर आप इतना लगाते रहेंगे तो आपका जो एक्जिमा है वो ठीक हो जाएगा, बॉडी में कहीं भी हो. जी, दूसरे फ्रेंड का सवाल था कि राइट साइड ऑफ शोल्डर में इनके पेन रहता है, सो नहीं पाती है जिसकी वजह से. राइट शोल्डर में पेन है तो आप रेड कलर ले लें और राइट हैंड पे इंडेक्स फिंगर में ये इस जगह पे एक रेड डॉट लगा दें. इसके साथ आप जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसके जो ज्वाइंट है ये, इस ज्वाइंट को अच्छे से चारों तरफ प्रेशर दें, यहाँ पर इस तरीके से. खासकर जो यहाँ पर एक जगह होती है, ये पॉइंट बहुत अच्छा होता है कंधे के लिए, सर्वाइकल के लिए. तो अगर आप यहाँ पर भी प्रेशर दे रहे हैं अच्छे से तो आपके कंधे का दर्द वो निकल जाएगा और आपको सोने में आराम मिलेगा. ओके, अभी हमारे साथ आरती जुड़ चुकी है. जी आरती, बताइए. जी मुझे एक चश्मे है, मैं 19 ईयर्स की हूँ.
मुझे चश्मे, तो मुझे पूछना है कि एक्यूप्रेशर के थ्रू ऐसे कौन से प्रेशर पॉइंट है जहाँ पे प्रेशर देने से चश्मे ठीक हो सकते हैं? और मेरे मेरे भाई को हेडेक की प्रॉब्लम है और मेरी मदर को बैक प्रॉब्लम है। ओके, सबसे पहले इन्हीं का सवाल उठाते हैं कि चश्मा यानी कि आई साइड इनकी कमजोर है, तो कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके जरिए ठीक कर सकती हैं उसे? देखिए, आंख के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में, जैसे कहते हैं, लिवर है। तो एक तो आपको लिवर को ठीक रखना पड़ेगा, जिसमें ऑयली और बहुत स्पाइसी खाने को आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जो सबसे अच्छे प्रेशर पॉइंट्स हैं बॉडी पर जो कि आंखों के लिए काम करते हैं, वो है आंख के चारों तरफ ऑर्बिट पर। तो इसको आपको प्रेशर देना होगा, जैसे नीचे से ही ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रेशर दें और ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से। तो सिर्फ इतना अगर आप प्रेशर डेली देंगे दोनों आँख पे, आप ऐसा करें सुबह शाम दोपहर जब भी आपको मौका मिले तो आप ये प्रेशर दे लें और आपको 100% आंखों में आराम मिलता है। काफी कम उम्र भी है इनकी, तो मुझे लगता है कि जल्दी से इन्हें आराम मिल जाएगा। इनके भाई को हेडेक का प्रॉब्लम है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? हेडेक के कारण बहुत सारे होते हैं, तो एक तो हेडेक के साथ अगर और भी कोई सिम्टम्स पता चले तो बेहतर होगा। अदरवाइज आप सिर्फ अंगूठे पर, किसी भी अंगूठे पर आप ये ऊपर के एरिया पे अच्छे से प्रेशर दे लें तो आपका हेडेक निकल जाता है। ओके, दोनों अंगूठों को, तो आप दोनों अंगूठों को दबा के देख लें और पैर के भी अंगूठों को दबा के देख लें। तो आप जब दबाएंगे किसी एक अंगूठे को पकड़ के दबाने पे आप देखेंगे कि सरदर्द थोड़ा हल्का हो रहा है, तो उसी पे एक मिनट तक लगातार प्रेशर दे लें और हर दो घंटे पे एक बार देते रहेंगे, सरदर्द चला जाएगा। ओके, अभी हमारे साथ अनु जुड़ चुकी है। जी अनु, बताइए। हेलो। हाँ मैडम, हाँ मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे फेस पे है ना, मेरी एज है 39, तो मेरे पूरे चेहरे पे एक्ने रहते हैं, बहुत ज्यादा मोटे मोटे एक्ने हो जाते हैं, उनमें पाश भरी होती है, और यही प्रॉब्लम मेरी बेटी के साथ है। कब से आपके एक्ने हैं फेस पर? तो मतलब ये एक्ने की प्रॉब्लम इतनी गंदी है ना, हमने हजारों इलाज करा रखे हर तरह के, लेकिन कभी ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। ओके, कब से हैं आपके एक्ने डेवलप हो रहे हैं? थोड़ा बहुत ठीक होते हैं फिर उभर जाते हैं। मेरी बेटी को भी है ये प्रॉब्लम, वो 17 साल की और मैं 39 की हूँ। ओके, 39 ईयर्स की हैं, एक्ने हैं इनके, बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, तो क्या कर सकती है इसके लिए? देखिए, एक्ने के लिए जो एक मास्टर पॉइंट है, वो तो आप किसी को भी हो रहा हो तो आप अपने मिडिल फिंगर में ये यहाँ पे एक ब्लैक डॉट लगा लें, बस ऐसा आप दोनों हाथ पे कर लें, तो जिसको भी एक्ने हो रहा है, नॉर्मली जिसको होता है वो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज जैसे ये बता रहे हैं कि एज काफ़ी हो गई फिर भी एक्ने नहीं ख़त्म हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए कि ये जो थंब का एरिया है इस पे अच्छे से आप प्रेशर दे लें। जैसे एक पेन ले लीजिए, पेन यूज करते हैं तो पेन को लेकर के इस तरीके से आप रोल कर लिया करें, या पेपर टेप आता है, पेपर टेप पे मेथी के दाने चिपका करके पूरे इस एरिया पे लगा करके और अच्छे से प्रेशर दें टू रिलैक्स द मसल्स ऑफ द, हाँ हाँ, तो ये पूरे फेस पे जो भी पिंपल्स आ रहे होंगे, बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ये करना है कि आप यहाँ पर प्रेशर दें और उसके साथ यहाँ पर एक ब्लैक डॉट लगाते रहें। ओके, और पेशेंस रखें क्योंकि सब्र के साथ हर चीज का सॉल्यूशन जरूर मिलता है। अभी बात करते हैं अभिषेक के साथ। जी अभिषेक, बताइए। हेलो, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। अभिषेक, हेलो। हेलो अभिषेक, अच्छा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज स्लो कीजिए, उसके बाद बताइए क्या सवाल है आपका। मेरी उम्र 19-20 साल है, तो मैम हाइट यूज करते नहीं, पापा की भी हाइट ज्यादा है, 6 फुट के अप्रोक्स है, और मम्मी की 5 फुट 6 इंच तक का है, और हमारी हाइट मतलब 5 फुट ही है अभी तक। ओके, मतलब आप टेंशन मत लीजिए इस चीज के लिए कि आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी, कई बार जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपकी मदर की हाइट ज्यादा है, फादर की हाइट ज्यादा है, तो हो सकता है थोड़े वक्त के बाद आपकी हाइट निकल जाए। वैसे इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। एक्जिमा के अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात की जाए तो काफ़ी केसेस में ये देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि अगर आपके मॉम को, आपके डैड को, या आपके किसी सिबलिंग को इस तरह का कुछ है, यानी कि एक्जिमा का कोई प्रॉब्लम है, तो आपको भी एक्जिमा का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। इंटरनली आपको किसी तरह से इफेक्ट नहीं करता, एक्सटर्नली होता है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहर की खूबसूरती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर की सीरत कैसी है, आप अंदर से कैसे हैं। जितने अच्छे इंसान आप होंगे, आप उतनी ही जल्दी अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर लेंगे। ब्रेक में जाने से पहले अभिषेक ने हमसे सवाल किया था कि उनकी हाइट बहुत कम है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? हाइट के लिए जो 10 पॉइंट हैं हम बता देते हैं आपको, उसमें ब्लैक कलर से पहले आप एक ये दो डॉट यहां लगा लें,
इसके बाद तीसरा ये है, चौथा ये, और फिर पांचवा पॉइंट ये है, ये ब्लैक डॉट आप लगाएंगे। इसके बाद आप ऑरेंज कलर ले लीजिए। ऑरेंज कलर से आप हथेली में आगे की तरफ एक ऑरेंज डॉट यहाँ लगा लीजिए, फिर आप एक यहाँ पर, ये सेंटर में, ये ब्लैक डॉट के साथ होगा, ये जॉइंट पर होगा, सेंटर में एक टिप पर होगा, ये ऑरेंज डॉट हो गए। एक ग्रीन डॉट आपको लगाना है, ग्रीन डॉट आप लगाएंगे ये इस जगह पर मिडल फिंगर में, ऐसा आप दोनों हाथों में लगा सकते हैं। तो ये कुल जो 10 पॉइंट हैं, अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हाइट आपकी बढ़ जाएगी। ये टाइम लेगा, आपको धैर्य साल भर का रखना पड़ेगा। 3 महीने से 6 महीने के बीच में हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर नहीं बढ़ रही है तो आप साल भर इसको लगाते रहिए, उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे हाइट बढ़ना शुरू हो ही जाएगा। चलिए, सब्र है इसकी मेन कुंजी। अभी बात करते हैं अनीता के साथ, जिन्होंने कानपुर से हमें कॉल किया है। जी अनीता बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। हम लोग आपको जस्ट फॉर वुमेन में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, प्लीज एक बार अपनी उसमें भी शक्ल दिखाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, लेकिन हम हमेशा आपसे कहते हैं कि चेंजेस आर ऑलवेज गुड, तो इस चेंज को भी एक्सेप्ट कीजिए। मैडम ये चेंज हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ओह नहीं डाइजेस्ट हो रहा, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम आपके सामने आएंगे। बताइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से ये पूछना है, डॉक्टर साहब मेरे ना उंगलियों में स्वेलिंग आ जाती है, ये समझिए कि रिंग्स भी हमारे को पुरानी वाली आ नहीं पा रही है, और आर ए फैक्टर वगैरह सब चीज नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उंगलियों में स्वेलिंग क्यों आ रही है? और दूसरा ये है कि पॉइंट जो हम लगाया करें तो कितनी देर के लिए लगाया करें? ओके, उंगलियों में स्वेलिंग आ रही है और पॉइंट्स कितनी देर के लिए लगा सकती हैं? देखिए पॉइंट जो लगाना है वो आप 4 से 6 घंटे नॉर्मली जैसे पेशेंट्स को लगाते हैं हम लोग। अदरवाइज क्या होता है, जैसे किसी को पॉइंट जब तक लगा हुआ है तब तक आराम है, पॉइंट हटने के बाद आराम नहीं मिलता, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो वो 24 घंटे भी लगा सकते हैं उसको पॉइंट्स को, और फिर धीरे धीरे करके टाइम फिर कम करके 4 से 6 घंटे हो जाता है। जी, इनकी उंगलियों में जो स्वेलिंग है वो कैसे दूर हो सकती है? स्वेलिंग के लिए आपको सिर्फ आप अपने हाथों में जो ये दो चैनल्स होगी, सेंटर वाली चैनल छोड़ दीजिए अगर, तो साइड के चैनल में यहाँ पर अच्छे से प्रेशर अगर आप देंगे, या इसी पर ब्लैक कलर लगा लें यहाँ पर, और दो राउंड सर्कल दो बना लीजिए बस, तो यहाँ दो सर्कल बना करके और आप प्रेशर भी देते रहेंगे तो पूरे बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग होगी वो निकल जाएगी, और इसको आपको रेगुलर करना होगा। 15-20 दिन आप कर लेंगे, दोबारा स्वेलिंग नहीं आती। ओके, अभी हमारे साथ वीना जुड़ चुकी है। जी बताइए वीना। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। मैम मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था कि उनका वेट ज्यादा है और पेट भी निकला हुआ है। कितना वेट है और उनकी एज कितनी है? उनकी एज है 14। और मैम मैंने डॉक्टर साहब ने जो बताया था वो स्ट्रिप लगाती हूँ लास्ट सेकंड नंबर से, उस पे तो स्ट्रिप मेथी की स्ट्रिप लगा रही हूँ 2 महीने से, तो उसका और भी कोई मतलब उसका इफेक्ट इतना नहीं दिखाई दे रहा है, तो कितना लगाना चाहिए? क्योंकि पॉइंट्स लगाने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपनी यानी कि आपके हस्बैंड अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखें, ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं और ऐसी चीजें जो मोटापा लाती हैं उन्हें अवॉइड करें। तो कौन से प्रेशर पॉइंट्स है एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप इन्हें बताएं। एक तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ और खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, ये काफी हद तक पेट बाहर निकलने का कारण बन जाता है। अगर आप सिर्फ इतना अवॉइड कर देंगे तो पेट आप देखेंगे हल्का हो जाएगा। इसके साथ जो पॉइंट है वो आप पैर में जो छोटी उंगली के साथ ये उंगली है इसमें अंदर की तरफ यहाँ पर आप रेड कलर से पूरा कलर कर दें, तो आप दिन में जितनी देर पैर खुला रहता है उतनी देर आप चाहें तो इस पे रेड कलर लगा लें। इसके बाद आप मेथी स्ट्रिप भी बांध सकते हैं, जैसे शूज पहनते होंगे तो मेथी की स्ट्रिप बंधी रहेगी तो भी इसमें फायदा होता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आराम नहीं आ रहा है, पेट अंदर नहीं जा रहा है, तो पेट को अंदर करने का, उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ देने का एक पॉइंट है, वो है आपका ये यहाँ पर, तो इस पे आप रेड कलर लगा लें। इसके साथ साथ आप इसकी सेकाई भी कर सकते हैं, अदरक को तवे पर हल्का गर्म करके और यहाँ पर अगर आप टच कराएंगे तो धीरे धीरे सेकेंगे, हल्का
सेक करेंगे, रोज आप एक मिनट की इस पे सिकाई करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे पेट अंदर चला जाएगा। जिनका भी पेट बाहर आया हुआ है वो पेट अंदर हो जाता है। और साथ साथ अपने मील्स को स्किप ना करें, बिकॉज स्किपिंग द मील्स इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। ये मोटापे को बढ़ाता है, कम नहीं करता। अभी बात करते हैं विनय के साथ। जी विनय बताइए। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए विनय। मेरी एज 19 है और मेरी बहन की 15 है। हम लोग हाइट की प्रॉब्लम बहुत है, जो आपने भी पॉइंट्स बताया प्लीज रिपीट कर दीजिए। और ये दोनों हाथों में लगाना है या एक ही हाथ में लगाना है? ये पॉइंट्स आप एक ही हाथ में लगाएं या दोनों हाथों में, ये जानना चाहते हैं। और दूसरे पॉइंट्स रिपीट कर दीजिए जानना चाहते हैं। देखिए, जो हाइट वाले पॉइंट है वो आप एक में भी लगा सकते हैं, दोनों में भी लगा सकते हैं। और एक में लगाना हो तो राइट में लगेगा, आप चाहे तो दोनों पे कर सकते हैं, उससे कोई हार्म नहीं है, फायदा ही होगा आपको। दूसरा, रिपीटिशन के लिए आपने कहा है तो देखिए अच्छे से देख लीजिए इसको। दो ब्लैक डॉट है सामने और एक ये ऑरेंज कलर है जो दोनों उंगलियों के बीच सेंटर लाइन पे लगेगा। इसके बाद मिडिल फिंगर पे ही ये ग्रीन डॉट है ये। फिर आप देखेंगे कि एक ब्लैक डॉट और एक ऑरेंज डॉट यहाँ पर है। ये लाइनिंग आपको थंब के इस जॉइंट से लेनी होगी, सीधी रेखा में आ लेंगे तो एकदम सेंटर पे पड़ेगा। एक इस वाले जॉइंट पर, अंगूठे के नीचे वाले जॉइंट पर सेंटर में ऑरेंज डॉट है, एक टिप पर ऑरेंज डॉट है। ये कुल 10 पॉइंट हैं। ये अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो हाइट बढ़ जाती है। और इसको आप दिन में लगाएं, 4 से 6 घंटे लगा करके रखें, बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया डॉक्टर अजय, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या सारी स्किन प्रॉब्लम्स एक्जिमा का साइन हो सकती है या फिर एक्चुअल साइंस क्या होते हैं एक्जिमा के, ये आपको बताएंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अगर अपने देश की बात की जाए तो इंडिया में 50-60% लोग एक्जिमा से इफेक्ट होते हैं हर साल। और अगर इसके साइंस की बात करूं तो अक्सर आप देखेंगे कि आपके हाथों पर, आपके नेक पर, आपके एल्बोज पर, आपके बैक ऑफ द नीज पर एक्जिमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इंस्टेड ऑफ योर फेस। बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी एलर्जीज होती हैं जो आपकी फेस पर ज़्यादातर होती हैं, लेकिन जो एक्जिमा के साइंस हैं वो आपके इन चारों पोर्शंस पर ज़्यादा होंगे एक्सेप्ट योर फेस। अभी हमारे साथ अनु जुड़ चुकी हैं। जी अनु बताइए। हेलो हेलो, नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार जी, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरी एज है 32 और मुझे ब्रेस्ट इंक्रीजिंग के लिए पॉइंट्स जानने थे। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा, मेरी बेटी की थाइस बहुत हैवी है बॉडी के हिसाब से, तो उसके लिए भी मुझे पॉइंट्स बता दीजिए। ओके, सबसे पहले उनका सवाल है कि ब्रेस्ट का साइज एनहांस करना चाहती है, क्या कर सकती है? देखिए, ब्लैक कलर ले लें और ब्लैक कलर से अपने मिडिल फिंगर में, मिडिल जॉइंट पर एकदम सेंटर वाले पॉइंट पे यहाँ पे ब्लैक डॉट लगा लें, ऐसा दोनों हाथ के मिडिल फिंगर में कर लें, तो इससे ब्रेस्ट की साइज जो है बढ़ जाती है। दूसरा, जो अभी वेट का पॉइंट बताया था, वही पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपके थाइस के वो जहाँ भी फैट बढ़ जाता है, हाँ साइज बढ़ जाती है, तो हिप्स रीजन का और थाइस का जो बढ़ जाता है वेट, उसको यहीं से कम किया जा सकता है। खास करके जो नाखून के साइड का एरिया है, तो अगर यहाँ पर अच्छे से पूरा चारों तरफ ब्लैक कलर, वो रेड कलर लगा लें और प्रेशर दिया करें इस पर जी, तो इसी पे अच्छे से प्रेशर देंगे दोनों तरफ, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो थाइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है वो ठीक हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अभी हमारे साथ दिव्या जुड़ चुकी हैं। जी दिव्या बताइए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरे दो क्वेश्चन है। एक, मेरे पापा है, उनको आउट ऑफ स्टेशन जाने में ना बहुत डर लगता है, उलझन होती है, घबराहट होने लगती है जैसे आउट ऑफ स्टेशन कभी जाना हो। ओके, फोबिया है उनके दिमाग में जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पापा को कोई बीमारी नहीं है अंदर से, लेकिन उनका शरीर दुबलाता जा रहा है। ओके, शरीर दुबलाता जा रहा है यानी पतले होते जा रहे हैं। और दूसरा ये कि उनके दिमाग में एक फोबिया, एक फियर है बाहर जाने से, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन की बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, दो पॉइंट हम आपको बताएंगे और उसको आप लगाएं, उनको लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर में यहां पर एक रेड डॉट लगा लें लेफ्ट इंडेक्स में। दूसरा, ब्लैक कलर ले लें, ये राइट हैंड के मिडिल फिंगर में लगेगा, ये इस जगह पे सेंटर में। सिर्फ ये दो डॉट अगर आप लगा करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो फियर फोबिया है वो निकल जाएगा और इनके जो फादर जो कमजोरी हो रही है वो भी, बिल्कुल वो भी ठीक हो जाएगी। और दूसरा, मैं चाहूंगा कि आप एक बार थायराइड का चेक जरूर करा लें, हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म हो, तो उसमें अगर वेट गिर रहा है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है।
Okay. एक बार थायराइड का चेकअप जरूर करा लें। ओके, हमारे पास कुछ एक एसएमएस है डॉक्टर अजय। पहला एसएमएस है अंजू का। इनके कुछ महीने पहले यानी कि 4 महीने पहले बोन में फ्रैक्चर हो गया था। अभी ये क्या कर सकती हैं? बिकॉज इनकी हड्डी में बहुत दर्द रहता है। देखिए, हड्डियों का जो दर्द है फ्रैक्चर के बाद का, उसके लिए हम आपको ट्रीटमेंट दे देते हैं। एक तो आप ब्लैक कलर लेकर के, 2 पॉइंट्स हैं ये इस जॉइंट से ठीक नीचे, ये इस तरीके से 2 ब्लैक डॉट लगा लेंगे तो हड्डियों को ताकत मिलती है। उसके बाद मान लीजिए ठीक से जुड़ा नहीं है यहाँ वहाँ, या जहाँ पे जोड़ हुआ है वहाँ पे सर्कुलेशन वीक है, तो आप मिडल फिंगर में ये इस तरीके से रेड डॉट लगा लें। तो जिस पैर में भी फ्रैक्चर हुआ हो उस तरफ अगर आप इस तरीके से रेड डॉट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पेन है वो निकल जाएगा, और अगर कमजोर जुड़ी हुई होगी हड्डी तो वो भी ठीक हो जाएगी। महेंद्र का एसएमएस आया कि इन्हें पाइल्स की समस्या है, क्या कर सकते हैं? 27 इयर्स के हैं ये। पाइल्स के लिए आप लेफ्ट थंब पे ऊपर वाले जॉइंट को आप डार्क ब्लू कलर से कलर कर दें पूरा चारों तरफ से। आप चाहें तो यही डार्क ब्लू कलर आप पैर के भी अंगूठे पे ऊपर वाले जॉइंट पे लगा सकते हैं, और समय समय पे इस पे अच्छे से प्रेशर अगर आप देते रहेंगे तो आप देखेंगे कि 15-20 दिन के अंदर काफी आराम आ जाएगा आपको, 2-3 महीने के अंदर पाइल्स की समस्या ठीक हो जाएगी। डॉक्टर अजय, आप यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे एक्जिमा की प्रॉब्लम से उन्हें निजात मिल सकता है, कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार दर्शकों।